सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ फिर से। शाम को मैं ब्लॉग बना रही हूँ। एक पहले सुबह में एक ब्लॉग तो मैंने डाल दिया था, अब मैं शाम को फिर से एक ब्लॉग बना रही हूँ। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं दोस्तों आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कमरा गंदा कर चुकी हूँ मैं। मेरे अलावा इस कमरे में, वैसे ये कमरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो मैं यहीं रहती हूँ। सिर्फ पढ़ाई करने के लिए दूसरे कमरे में जाती हूँ बस, और नहीं तो फिर मैं इसी में पड़ी रहती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कितना गंदा कर दिया है, इतनी सारी चीज़ें मैंने फैला दिया है यहाँ। मैं क्या करती हूँ ना दोस्तों, कभी यहाँ लेट जाती हूँ, कभी यहाँ लेट जाती हूँ, मेरा मन करेगा कभी मैं बिस्तर में लेट जाती हूँ, कभी नीचे भी लेट जाती हूँ, जहाँ मन कर जाए वहाँ लेट जाती हूँ। तो दोस्तों, मैंने सोफ़े वगैरह और टेबल का कांच वगैरह भी साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं उस टाइम पे कितना गंदा हो रखा था और अभी कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी बस थोड़ा बहुत ये कपड़े ही फोल्ड करने हैं और ये सारी चीज़ें फोल्ड कर सही करनी है। यहाँ पे बेड वगैरह का काम रह गया और ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं। तो अब आपको कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने कपड़े तो फोल्ड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। बस अब बेड में थोड़ा चद्दर वगैरह बिछा दूंगी मैं। और दोस्तों, अभी भी काम मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे बर्तन वगैरह भी धुलना है, थोड़ा छोटे मोटे काम भी और करना है मुझे। तो अभी मिलती हूँ आपको दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, मैंने बेडशीट बिछा दिया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं अब कमरा कितना अच्छा लग रहा है। और लक्की भी आ चुका है यहाँ पर ट्यूशन से। लक्की, हेलो गाइस, दोस्तों के साथ सभी लोग हैं। आज के वीडियो में फिर से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड मैं यहाँ पे जो है ऐसे आया हूँ खेलने के लिए। आया हूँ वहाँ बाहर, अभी आपको दिखाएंगे कि हम खेलने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, अभी बर्तन भी धुलने हैं मैंने, तो अभी मिलती हूँ आपको बर्तन धोने के टाइम पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किचन में भी कितनी गंदगी हो रखी है। आज मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ ना यहाँ, क्योंकि घर आने के बाद हमने अच्छे से सफाई नहीं की थी, तो अभी मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ यहाँ। तो दोस्तों, अब प्रॉपर सफाई होने के बाद मिलूंगी मैं आप लोगों को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उस टाइम पे कितना गंदा हो रखा था और मैंने अभी कितना साफ़ कर दिया है। मैंने सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं जितना भी गंदा हो रखा था। बस दोस्तों, ये थोड़े बर्तन रह रखे हैं, अब इनको धुलना है मुझे। तो और तो चीज़ें साफ़ हो गई हैं, नीचे भी पूरा साफ़ कर दिया मैंने। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने किचन साफ़ कर दिया अच्छे से। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी दादी कहती है घर की लक्ष्मी का पता उसके किचन से ही चलता है। तो अगर किचन साफ़ होगा तो उससे भी लक्ष्मी का पता चलता है। किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, खाना बनता रहता है, गंदगी होती रहती है, तो सबसे मुश्किल टास्क भी किचन ही होता है साफ़ करने के लिए। अभी तो मैंने अपना किचन पूरा साफ़ कर दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने बर्तन भी धुल दिए हैं। और अब एक बार फिर से किचन का लुक देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने सिंक वगैरह सारा चीज़ें साफ़ कर दी हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बर्तन धुल के अब बाहर आ चुकी हूँ। और अभी देखिए ग्राउंड में क्या शांति हो रखी, अभी यहाँ कोई भी खेलने नहीं आ रखा है। तो अभी मैं बस रिलैक्स करूँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत थकान लग गई थी ना सफ़ाई करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद बहुत थकान लग गई थी। तो मैं अभी यहाँ पर रिलैक्स करूँगी दोस्तों। और दोस्तों, अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी भी मुझे मीशो से डिलीवरी वाली बॉय का कॉल आया था, तो मैंने एक ऑर्डर मंगा रखा था तो वो आ चुका है मेरा। तो मैं आपको उसको दिखाती हूँ कि वो क्या है, उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पार्सल तो मिल चुका है और मुझे इस चीज़ की बहुत टाइम से कम एक हफ्ता लग गया था आने में। तो पता नहीं इन्होंने इतना लेट क्यों कर दिया था। वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगी, तो आप भी वहाँ से उसको खरीद सकते हो। देर नहीं करती हूँ, आपको सीधे उसकी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ। तो चलो दोस्तों, आप अनबॉक्सिंग देखना और उसके बाद वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, जो मैंने मीशो से जो ऑर्डर मंगवाया था वो आ चुका है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, तब तक आप गेस करके मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या होगा। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, मैं लाई हूँ ये, आप देख सकते हैं इसको, मुझे कब से वेट था। मैं ब्लॉगिंग भी ढंग से नहीं बना पा रही थी इसकी वजह से। आप देख सकते हैं, आप इस पर पढ़ लेना ये सारी चीज़ें। सो दोस्तों, मैं इसको खुला के दिखा लेती हूँ। आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ये इसको इस तरीके से ओपन करना है और ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें और हैं ये भी बता रखी हैं, तो आप ये पढ़ लेना। तो दोस्तों, इस बटन से आप सेल्फी खींच सकते हैं। तो देखते हैं, मुझे भी अभी पता नहीं है, इसको खोल के देखती हूँ मैं भी इसमें क्या क्या है। तो चलो दोस्तों, इसको खोल के दिखाती हूँ मैं आपको।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ट्राईपॉड है ये, और कुछ इस तरीके से खुलेगा ये। और सबसे पहले इसमें बताया गया था कि इसको इस तरीके से खोलना है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ये इस तरीके से खोलना है, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन लगा देंगे, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे आप देखो इस तरीके से, तो आपका फ़ोन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा इसमें। तो चलो दोस्तों इसको बंद करके और चीज़ें दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं ना आप, ये चीज़ अलग से मिली थी, इस पर सेल्फी बनी हुई है ना, तो यही है वो, ये मैंने ट्राई किया था तो ये यहाँ पर लगता है दोस्तों। अगर आप इसको 5 सेकेंड होल्ड करके रखोगे तो इसमें ब्लू लाइट जलने लगेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ब्लू लाइट जलने लगी है, आपको अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इससे आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकती हो ब्लूटूथ से। तो आपको क्या, फ़ोन पे आप जब लगाओगे तो आपको यहाँ से सेल्फ़ी खींचने की बजाय यहाँ से खींचना पड़ेगा इस बटन से। अगर आप इस बटन को अगर आप क्लिक करोगे तो इस यहाँ से आप सेल्फ़ी खींच सकते हो। और इसको खोल के भी दिखा देती हूँ दोस्तों मैं, इतना लंबा है। और यहाँ पे आप अपना फ़ोन लगाने देंगे इस तरीके से, इसको खोल देना जब आप फ़ोन लगाओगे तो इसको खोल देना, और इस तरीके से ये खुलता है, इस तरीके से ये बंद होता है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लूटूथ हमने ऑन कर दिया, अगर आपको इसको बंद करना होगा तो 5 सेकेंड इसको फिर से होल्ड करके रखना, मैं दिखा देती हूँ आपको। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये बंद हो गया है। और इसमें एक चीज़ और दिखाती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये डबल साइडेड का काम करता है। तो दोस्तों जो ये हमारी हैंड होल्डर है ना, इसके दो यूज़ हैं, आप यहाँ से देखिए ये जो है ना यहाँ से खुलता है ये इस तरीके से, आप देखिए इस तरीके से ये खुल जाता है, ये देखिए आप, और यहाँ पे इस तरीके से ये होल्ड कर लेता है। अगर हमें कभी बैठ के वीडियोस बनाने होंगी तो ये उस चीज़ का भी काम आ जाएगा। और इसको इस तरीके से खोल के यहाँ पे सिंपली अपना फ़ोन लगा दो, और अगर आपको सेल्फ़ी टाइप सेल्फ़ी खींचनी होगी, सेल्फ़ी वीडियोस बनानी होंगी तो इसको बंद कर लेना इस तरीके से सिंपली, और यहाँ से आप सेल्फ़ी वीडियोज़ बना लेना। तो इसकी लेंथ जो है ना, इसकी लेंथ भी सही है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको सिंपली हम इससे बंद भी कर सकते हैं और कैरी करके भी ले जा सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छा दोस्तों इसका ये लगा, इस ब्लूटूथ कनेक्शन, ब्लूटूथ से भी इसका कनेक्ट कर सकते हैं, और ये ईजिली यहाँ से बाहर आ जाता है, ये देखिए आप। इसके अंदर भी खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ, सिंपली इसके अंदर एक बैटरी आती है, और ये इतनी बड़ी बैटरी आती है, आप देख सकते हैं ये बैटरी आती है इसके अंदर, 3 वॉट की बैटरी है ये। और सिंपल इसको इस तरीके से निकाल के हम लोग कैरी करके भी ले जा सकते हैं, और ये इस तरीके से। तो दोस्तों ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, और इजीली हम इसको कहीं कैरी करके भी ले जा सकते हैं। इजीली हम इस तरीके से खोल के कहीं पे भी इसको अटैच करके फ़ोटोज़ पिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो इससे कर सकते हैं। तो इसके इतने सारे यूज़ देख के मुझे ये बहुत पसंद आया, और मैंने इसको मीशो से ऑनलाइन परचेज़ किया है दोस्तों। तो आप भी इसको ले सकते हैं ऑनलाइन, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। और ज़्यादा इसका रेट ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बस आपको ये 400 में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्राईपॉड कैसे लगा।